और अब खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पर किश्तवाड़ में दो गार्ड की हत्या। आतंकियों ने दोनों गार्ड को उतारा मौत के घाट। तलाशी अभियान के दौरान सेना को मिले शव। शव मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। मारे गए दोनों गार्ड की तस्वीरें सामने आई हैं। तो तलाशी अभियान के दौरान सेना का को शव बरामद मिले हुए हैं। शव मिलने के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए दोनों गार्ड की तस्वीर जो है वो सामने आई है। तो एक बार फिर से टारगेट किलिंग का मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में गरमाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर अक्टूबर महीने की ही हम बात करें तो 7 लोगों को मारने की जो खबर सामने आई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर सरकार के सामने अब टारगेट किलिंग एक बड़ी चुनौती बन गई है। आतंकियों ने दोनों गार्ड को मौत के घाट उतारा। तलाशी अभियान के दौरान सेना को शव मिले हैं। शव मिलने के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए दोनों गार्ड की तस्वीर सामने आई है। तलाशी अभियान के दौरान सेना को शव मिले। शव मिलने के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारे गए दोनों गार्ड की तस्वीर सामने आई है। जिस तरह से लगातार जम्मू इलाके में आतंकवाद सेना के लिए चुनौती बना हुआ है, लगातार सेना तमाम इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों पर कार्रवाई कर रही है। तलाशी के दौरान सेना को शव मिले हैं और कल ही दो आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि एक आतंकी के छिपे होने की खबर पर जब ये कहा जा रहा है कि सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहां किश्तवाड़ में दो गार्ड की हत्या की गई है। मारे गए दोनों गार्ड की तस्वीर सामने आई है। किश्तवाड़ में दो गार्ड की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं तलाशी अभियान में सेना को दोनों गार्ड के शव मिले हैं। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है? दोनों गार्ड की हत्या की गई है, दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं और अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगातार तलाशी अभियान के दौरान जो है सुरक्षा बलों को ड्रोन के जरिए दोनों जो गार्ड्स हैं उनके शव जो है वो बरामद हो गए हैं। और खासतौर पे अगर आपको बता दूं कि ये इलाके की अगर बात करें, किश्तवाड़ के दूर दराज का इलाका कोंत्रा, और वहां से भी लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर जहां इनके मोबाइल बंद हो गए थे, उसके आगे जाकर जो है वे सिम कार्ड बरामद, जो शव है वो बरामद हुए हैं। एक नदी में जो है ये शव दोनों पड़े मिले, जिसके बाद जो SOP है, क्योंकि इस चीज की आशंका बनी रहती है कि अगर आतंकियों ने किसी की हत्या की है तो वहां पर एक्सप्लोजिव लगाया हो सकता है, तो ऐसे में पूरी SOP को फॉलो करके इन दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। अब तमाम जो इलाका है उसमें इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके, इनको मार गिराया जा सके। कल सुबह जो है ये दोनों कुलदीप कुमार और नजीर अहमद जो है ये दोनों अपने जानवरों को, मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए थे। जंगल का इलाका जो है एक ऐसा इलाका था जहां पर नेटवर्क जो है वो बिल्कुल बंद हो गया, इनके मोबाइल बंद हो गए। घर वालों ने संपर्क करने की कोशिश की मगर कुछ पता नहीं चला। मगर जब शाम को कुछ सोशल मीडिया पे तस्वीरें जो वायरल होना शुरू हुई, उसके बाद पुलिस ने जब इनसे घर वालों से पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों युवक जो हैं वो कोंत्रा के हैं और दोनों जो हैं विलेज डिफेंस गार्ड हैं। इनको आतंकियों ने अगवा कर लिया था और उसके बाद इनकी हत्या कर ली है। DGP जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात और GOC जो हैं विक्टर फोर्स वो वहां पे पहुंचे हैं और लगातार व्हाइट नाइट क्रॉप जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। वहां पर मीटिंग का सिलसिला जारी है और किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को खबर बताएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सोपोर के सागीपोरा इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। सोपोर में अब तक दो आतंकियों का सफाया किया गया है। मुठभेड़ का ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। तो मुठभेड़ का ड्रोन वीडियो सामने आ गया है, दो आतंकियों का सफाया कर दिया गया है और अभी भी एक आतंकी के छिपे होने की जानकारी सामने आ रही है।